ये बार बता दे देगी वो। पहले अपने पर्चे ले लीजिए। बोले अपना पर्चे ले। मैं इंद्रजीत वर्मा, लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड, वार्ड नंबर 96, मैं शक्तिनगर में रहता हूँ। आपके सभासद का सपा से टिकट मिला है, कैसे देखते हैं, कैसे आपने मुद्दों को लेकर जनता पर जाएंगे? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना और मुझे टिकट दिया। और मैं जो भी जन मूलभूत सुविधाएँ होती हैं नगर निगम के द्वारा और जो जनता को चाहिए, इन्हीं समस्याओं के लिए मैं लेके मैं जनता के बीच जाऊँगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे अहम मुद्दा तो साफ सफाई का है और नालियों का भी है, और जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और पतली सड़कों में जो अभी तक आज कुछ इंटरलॉकिंग टाइल्स नहीं बन पाए हैं या जो लगी भी हैं वो भी ख़राब हैं, तो उनको दुरुस्त करने के लिए, और बिजली खंभों पर नहीं है जिनका अंधेरा होता है उसमें तमाम तरह की वारदातें होती रहती हैं, इन सबको लेकर मैं जनता के बीच जाऊँगा। फिलहाल जनता की जो मेन मांग होती है पानी का, पानी की और रोड का, इसको कैसे देखेंगे, कैसे आपकी सरकार से जो है अपील करेंगे और इनको लेकर कैसे जनता तक बात को पहुंचाएंगे? देखिए, नगर निगम के द्वारा जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे, और जो सरकार से हम मांग करेंगे कि पेयजल की व्यवस्था हो और जो ये पानी निकलने की हो, पानी कहीं भरे ना, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर जहाँ बारिश में जो ये क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी समस्या जल भराव की होती है, तो हम यहाँ पे जल ना भरे ताकि पब्लिक को समस्या ना हो, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। मौजूदा अलग बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी की कैंडिडेट कैसे जो है आपसे भिड़ेंगे? देखिए, मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या सही बात है, मगर जिस प्रकार से लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर केंद्र तक है वो काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ उनके झूठे वादे जो थे आज सबकी जनता के सामने आ गए। महंगाई चरम पे है और जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। और इन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, और जनता पूछ रही एक स्मार्ट सिटी कहाँ है? आज पूरे लखनऊ को उन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, जन संकट हो चाहे बिजली का संकट हो, कहीं आप बताइए, ये सिर्फ अपने भाफड़ों में कहते हैं कि हर जगह उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली। आप मुझे बताइए, इसी लखनऊ से आप किसी भी दिशा में 30 किलोमीटर की तरफ आगे बढ़ जाइए, क्या 24 घंटे वहाँ लाइट है? 24 घंटे छोड़ दीजिए, 14 घंटे भी लाइट नहीं है। जीत के आते हैं, सबसे पहली प्रक्रिया क्या रहेगी आपके लिए जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले जब जीत के आएंगे तो इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं जिनको मैं भली भांति जानता हूँ, एक तो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था और सड़कों जो टूटी हुई हैं, इन सड़कों को रिपेयर करने के लिए मैं कदम बढ़ाऊंगा, और स्ट्रीट लाइट जो कि बहुत ही कम लहर लगी हुई है इस वार्ड में, जबकि इस वार्ड में विधायक भी बीजेपी के हैं और वो मंत्री भी थे पहले, इससे पहले बल्कि नगर विकास मंत्री थे, उसके बावजूद भी इनकी विधानसभा इस वार्ड में खासतौर से विकास नाम की कोई चिड़िया किसी ने आज तक देखी ही नहीं है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।